आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। वेल, आज मैं आपको एक कमिटमेंट देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कमिटमेंट है, वो ये है कि अब आपको एक ऐसी सीरीज मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं अभी आप बिल्कुल बेस लेवल पर हो, आज आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग डिटेल में सीखना है, पर आप इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। अब सीरीज का मतलब क्या है कि सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगी, मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा? फायदा नंबर वन ये होगा कि आप यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग अगर बिना सीखे ट्रेड करने जाएंगे तो आप इसे समझे दोधारी तलवार की तरह, दोधारी मतलब कि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अगर बिना सीखे कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जब हम ट्रेड करने की बात करते हैं तो आप अपना रियल कैपिटल लगा के, पैसा लगा के ट्रेड करते हो, तो अब यहां पर आप नुकसान झेल नहीं सकते। अगर आपको कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है तो कई सारे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, और ये ज्यादातर लोगों की कहानी है कि लोग नुकसान कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको जो सिखाएं इस तरीके से समझाएं कि आप अपने लॉसेस को आप मिनिमाइज कर पाओ और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाओ, तो यही हमारा उद्देश्य रहता है। देखो, मेरा बड़ा फंडा क्लियर है कि पैसा बने या ना बने, कम बने पर नुकसान नहीं होना चाहिए, गलत ट्रेड्स आप ना लो। तो इसके लिए आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है, आपको पूरी सीरीज में सीखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये सीरीज है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी सिखाने वाले हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेंगी, खासकर वो स्ट्रैटेजीज जो मैं खुद यूज करता हूं। इनफैक्ट उन स्ट्रैटेजीज के मैं आपको एडजस्टमेंट्स भी बताऊंगा। ऐसा कई बार हो सकता है ना कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग ना चले, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आपकी स्ट्रैटेजी फेल भी हो सकती है। तो अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी फेल भी हो जाती है तो अपनी डूबती हुई नाव को कैसे बचाना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। सो मैं आपको जो भी बताने वाला हूं इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर कोई बच्चा सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहा है ना, वो समझ पाए। तो अभी सिक्स स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, मतलब छठी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। अब उसे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं लिख दूंगा ना, तो शेयर मार्केट में जो सबसे जल्दी पैसा बनता है वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बनता है, और जो सबसे जल्दी पैसा जाता है वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जाता है। तो आपको यह समझना है कि अगर आपने से बिना सीखे किया तो जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना नुकसान कर रहे हैं, तो ज्यादातर रिटेलर्स पैसा नहीं बना पा रहे। अब अगर आपको पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या जानने की जरूरत है, ठीक, अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो अभी तक आप लोगों ने सुना, आप सिंपली स्टॉक्स को खरीदते हो। अभी तक हमें पता है स्टॉक मार्केट में हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं, शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है, हमें मुनाफा होता है। अगर शेयर्स का प्राइस गिर जाता है तो हमें नुकसान होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको पता है। यहां पर कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व आ जाते हैं। फैक्टर्स क्या है, मान लेते हैं आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, एग्जाम्पल आपने रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ है। अब रिलायंस का शेयर बढ़ जाएगा तो आपको मुनाफा होगा। आपके एग्जाम्पल, आपके पोर्टफोलियो में 1,00,000 रुपए के रिलायंस के शेयर है। मैं 1,00,000 का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि अगर यहां से रिलायंस टूट गया, मान लो 10% रिलायंस टूट गया, तो आपका हो गया, अगर 10% टूट गया रिलायंस तो मेरा जो 1,00,000 है उसमें भी 10% का नुकसान हो जाएगा। तो अगर 10% का नुकसान होगा, आपको क्या, 1,00,000 रुपए का नुकसान हो सकता है मुझे। अब मैं 1,00,000 का नुकसान नहीं करना चाहता, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। अभी फ्यूचर्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, तो पीपल अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूचर, अभी हम ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम फोकस रखेंगे ऑप्शंस पे। तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन ये है कि अगर आपको डर लग रहा है कि प्राइस गिर सकता है तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। सो मैंने यहां पर पीई लिख दिया। पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन चाहिए कि अगर रिलायंस का प्राइस बढ़े तो मेरा ज्यादा मुनाफा हो, तो ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए आपको सी खरीदना पड़ेगा, कॉल यूरोपियन। तो आप एक ऑप्शन खरीदते हो, जैसे मैंने बोला आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, तो इससे क्या होता है, इससे हेजिंग हो जाती है। हेजिंग का मतलब क्या है कि अगर रिलायंस का प्राइस गिरेगा भी और आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पुट ऑप्शन अवेलेबल है, तो जैसे जैसे प्राइस गिरेगा रिलायंस का, वैसे वैसे यहां पर आपको मुनाफा होगा। मतलब रिलायंस के प्राइस के गिरने पे भी
आपको पुट ऑप्शन में मुनाफा हो जाएगा डेफिनेटली। इसके लिए आपको एक आप बोलो प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे हम इंश्योरेंस लेते ना, गाड़ी होती है हमारी 50 लाख रुपए की, इंश्योरेंस हमें पड़ता है 50,000 रुपए का। तो हम 50,000 रुपए क्यों देते हैं कि अगर 50 लाख की गाड़ी चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो 50 लाख का नुकसान ना हो, इसलिए हम 50,000 रुपए पे कर देते हैं। सिमिलरली ये पुट ऑप्शन फ्री में तो आएगा नहीं, इसके लिए आप कुछ ना कुछ प्राइस पे करोगे। अब वो प्राइस किस हिसाब से होता है, क्या होता है, वो हम सीखेंगे अभी आगे इसी सीरीज में। फिलहाल आपको समझना है कि आपने पुट ऑप्शन के लिए एक प्रीमियम दिया। अब वो प्रीमियम देने से हुआ क्या, 50,000 का इंश्योरेंस तो ले लिया, बट अगर रिलायंस का प्राइस गिरा तो आपकी हेजिंग हो गई, आपका नुकसान नहीं हुआ। ये 1 लाख का जो नुकसान हो सकता था वो यहां पे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब कमाल की बात क्या है, हम जनरली गाड़ी का इंश्योरेंस तब लेते हैं जब हमारे पास गाड़ी होती है। कमाल की बात यह है, अगर आप सोचो कि आपके पास गाड़ी ही ना हो, 50 लाख की आपके पास ऑडी नहीं है, पर आपने 50,000 का इंश्योरेंस ले लिया। सिमिलरली लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव्स बोलते हैं हम इन्हें, डेरिवेटिव्स बेसिकली हेजिंग के लिए बने थे। पर अब लोग क्या करते हैं, उनके पास गाड़ी नहीं होती, मतलब उनके रिलायंस के शेयर नहीं होते 10 लाख रुपए के, पर वो इस चीज के ऊपर बेट लगाते हैं कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। मतलब कि आज रिलायंस का भाव गिरेगा, अगर रिलायंस का भाव आज गिरेगा तो उससे क्या होगा, पुट ऑप्शन अगर किसी ने खरीद रखा है तो उसका फायदा हो जाएगा। कमाल ना। और इसी तरीके से वो ना सिर्फ शेयर्स बल्कि इंडेक्स पर बैट लगाते हैं। इंडेक्स क्या है, जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो एनएससी पर लिस्टेड है, उससे एक इंडेक्स बना निफ्टी 50। ये इंडेक्स को देख के पता लग जाता है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। सो अगर इंडेक्स गिर रहा है इसका मतलब मार्केट गिर रही है, तो लोग इसके ऊपर बैट लगाते हैं निफ्टी का जो भी भाव है। एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, दिखता है निफ्टी का भाव है 18,200। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो निफ्टी ऊपर जाए या निफ्टी नीचे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे रहे, बट कुछ पॉइंट ऊपर नीचे तो जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट से फर्क पड़ेगा। अगर 18,201 हो गया तो फायदा कब होगा, जब हमने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, और हमें नुकसान हो सकता है अगर हमने पुट ऑप्शन लिया हुआ है। बट अगर निफ्टी का प्राइस गिर गया, मान लेते हैं 18,200 से निफ्टी का प्राइस 18,000 आ गया, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जिससे हमें फायदा हो, आप कहोगे पुट ऑप्शन होना चाहिए। अब यहां से एक और चीज सामने आती है, वो क्या आती है कि अभी तक हम ऑप्शन को खरीदने की बात कर रहे थे, अभी तक हम ऑप्शन को खरीदने की बात कर रहे थे कि अगर निफ्टी गिर जाएगी तो फायदा होगा, निफ्टी बढ़ जाएगी तो फायदा होगा। इसके लिए आप ऑप्शंस को बाय करते हो, पर शेयर मार्केट तो मतलब शेयर बाजार है, बाजार है मतलब कि कोई अगर खरीद रहा है तो कोई तो बेच भी रहा होगा। अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा था अपनी गाड़ी के लिए, तो किसी ना किसी कंपनी को तो पैसे दिए होंगे ना जिससे आपने इंश्योरेंस लिया होगा, तो वो पर्सन कौन है जो इंश्योरेंस बेच रहा है। यहां पे अगर किसी ने इंश्योरेंस इनफैक्ट ऑप्शन खरीदा है तो किसी ने तो ऑप्शन बेचा होगा, सेल किया होगा। तो यहां पर आ जाती हैं दो पार्टियां, इन्हें समझते हैं। यहां पर निफ्टी एग्जांपल 18,200 पे है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 18,200 के आसपास का भाव है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि भैया कोई तो बायर है, कोई तो सेलर है, कोई तो बायर है, कोई तो सेलर है। आप एक ऐसी वेग, बिल्कुल वेग बात करते हैं, कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोल के बैठा है तो वो क्यों बैठा है, उसे पैसे कमाने हैं, सिंपल ना। कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोल कर बैठा है तो वो किस लिए बैठा है, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। अब दुकान पे लोग जाएंगे, उनको उनके आप कह सकते हो हिसाब से सर्विस या प्रोडक्ट मिलेगा, उन्हें सेटिस्फैक्टरी लगेगा, वो एक अलग बात है कि उनका भी कुछ ना कुछ फायदा है। पर जो सेलर है, कुछ बेच रहा है, तो वो हर बार क्या चाहता है, वो हर बार ये चाहता है किसी का फायदा हो या ना हो, मेरा हो जाए। सेलर कभी नुकसान में कुछ बेचना चाहेगा, नहीं बेचना चाहेगा, पर सेलर का भी नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई ऑप्शन को कोई बायर खरीद रहा है तो उसके डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होती है 33%। ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा शॉर्ट में रख रहा हूं, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, आपको बहुत टाइम सेव कर रहा हूं। टाइम क्यों सेव कर रहा हूं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग ये बहुत
एक ऐसा कंसेप्ट है जो काफी डिफिकल्ट माना जाता है। लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है, पर मेरा काम पता है क्या, मेरा काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना, इस तरीके से समझाना जैसे मतलब कोई बच्चा भी समझ पाए। अभी मुझे नहीं पता बच्चा समझ पाया नहीं पा रहा, बट इससे आसान लैंग्वेज में ना आपको पूरे इंटरनेट पे छान लो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूं, बट जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कुछ भी फिगर्स लिख रहा हूं, ये आपको विद एक्सपीरियंस समझ आ जाएंगे। आप पढ़ भी सकते हो बट आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एक बायर के लिए 33%, मतलब अगर बायर कुछ भी खरीद रहा है ना तो उसके पैसा बनाने के चांसेस हैं 33%। बट अगर सेलर कुछ भी बेच रहा है ना, मतलब बोलो दुकानदार अगर दुकान पे बैठा है और दुकान खोल के बैठा है तो कमाने के लिए बैठा है, तो इसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होती है 67%। आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ? ये हुआ नंबर वन सिनेरियो कि हमने विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करी। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। अब ये मार्जिन क्या है? जब कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठता है तो उसके पास माल होता है, उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, बस इतनी सी चीज। तो यहां पे अगर आप सेलर बनना चाहते हो, यू नीड मोर मार्जिन, यू नीड मोर मनी। ओके, नंबर वन। सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू बाय तो आपको तो जो चीज चाहिए उसके आप पैसे दोगे तो उसके पैसे बहुत कम होंगे। एग्जाम्पल और देते हैं, 50,000 का आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो 50 लाख की गाड़ी के लिए, तो सेलर को 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी डैमेज हो गई। 50 लाख का रिस्क सेलर का, और जिसने इंश्योरेंस लिया है 50,000 रुपए दिए हैं उसका मैक्सिमम रिस्क क्या है? 50,000 रुपए। तो बायर को पैसा कम लगता है, सेलर को पैसा ज्यादा लगता है, पर मार्केट में इतने इंश्योरेंस बिक रहे हैं, क्या कंपनी पैसा बना रही है? अगर कंपनी पैसा नहीं बनाएगी तो इंश्योरेंस बेचेगी क्यों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमेशा इंश्योरेंस कंपनी की ज्यादा रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोज मेरे पास केसेस नहीं आएंगे, सबकी गाड़ी में डैमेज नहीं होगा, सबकी गाड़ियों का रिस्क नहीं है, तो वो इस हिसाब से कमा रहे हैं कि यहां पे जो भी प्रीमियम है जो उन्हें मिल रहा है इंश्योरेंस के तौर पर वो ज्यादा मिले और उनकी जेब से कम पैसा, जैसे सिमिलरली यहां पर होता है। अगर ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। तो ये आपको कंसेप्ट समझना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूं आप ट्रेड करके कैसे पैसे बनाने वाले हो, इनफैक्ट लोग जो पैसा गवाते हैं वो भी कैसे गवाते हैं, सब सीखेंगे। और ये क्योंकि सीरीज है, इसमें हम स्ट्रैटेजीज भी सीखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब मैंने बोला कि एक बच्चे को भी समझ आए तो समझाते हैं। चलो अब यहां पे हम एक बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ आता है। तो यहां पे एक, अभी हम निफ्टी को, शेयर्स को हटा देते हैं, अभी हम जनरल बात करते हैं। आप जहां पे भी रहते हो तो वहां पे दो लोग मिलते हैं, एक बायर है एक सेलर है। बायर आता है और सेलर को बोलता है कि आज बारिश होगी। बायर आता है सेलर को बोलता है कि आज बारिश होगी। सेलर कहता है यार बारिश तो शायद आज नहीं होगी। वो वेदर फॉरकास्टिंग पे चेक करता है अपने मोबाइल फोन पे, दिखता है यार बारिश होने के चांसेस बहुत कम है। बट बायर कहता है नहीं आज बारिश होगी। अच्छा ठीक है, तो सेलर कहता है ठीक है मुझे 5 रुपए दे दे, मुझे सिर्फ 5 रुपए दे दे, अगर कल तक बारिश हो जाती है तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा कल तक। अभी ये कल तक इंपॉर्टेंट है, कल तक मतलब कल एक्सपायर हो जाएगा हमारा जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर हो जाएगा। सो अगर कल तक बारिश हो जाती है तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। बायर कहता है ठीक है ले पकड़ 5 रुपए। अब बायर 5 रुपए दे देता है और बारिश नहीं होती तो बायर का नुकसान कितना होगा? आप कहोगे 5 रुपए गए, 0। ये प्रॉफिट किसका हुआ? ये प्रॉफिट हुआ सेलर का। सिमिलरली बायर रोज आके बोलता है सेलर को भाई 5 रुपए पकड़ आज बारिश होगी, 5 रुपए पकड़ आज बारिश होगी। अब सेलर इंटेलिजेंट है, अभी तो गर्मी चल रही थी बारिश नहीं हो रही थी, अब जैसे उसे वेदर फॉरकास्टिंग पे दिखता है कि एक तो बरसात का मौसम आ रहा है और वेदर फॉरकास्टिंग पे दिखा रहा है यार चांसेस है बारिश हो सकती है, तो बोलता है आज सेलर के ऊपर है। सेलर बोलता है मैं 5 रुपए नहीं लूंगा, अब मैं तुझसे 100 रुपए लूंगा, अगर बारिश होगी तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। बारिश फिर नहीं होती तो बायर का फिर 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, सिमिलरली बरसात का मौसम तो चल ही रहा है, एक दिन वो 100 रुपए देता है और 500 रुपए सेलर को देने पड़ते हैं क्योंकि बारिश हो जाती है। अब इस दिन बायर बड़ा खुश होकर घूमता हुआ आता है, सबको दिखाता है देखो 500 रुपए मैंने कमाए, 500 रुपए मैंने कमाए, 500 रुपए मैंने कमाए। क्यों? क्योंकि आज बारिश हो गई।
अब सेलर कहता है ये तो मैं चाहता था, क्यों मैं ये चाहता था, क्योंकि अब तू जाके सबको दिखा कि मेरे पास आओ और आके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि बारिश रोज नहीं होगी। बारिश रोज नहीं होगी मतलब बायर ने एक दिन तो 500 कमा लिया, अगर वो कल आके फिर से कॉन्ट्रैक्ट करे जरूरी नहीं बारिश हो सकता, बारिश हो जाए। बट सेलर इंटेलिजेंट है, जब बारिश होने के चांसेस ज्यादा है वो पैसा भी 100 रुपए ले रहा है, जब बारिश होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है वो पैसा 5 रुपए ले रहा है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, इसके अंदर मैं एक और एडिशन कर देता हूं। मान लेते हैं आज बादल नहीं दिख रहे, ठीक है, बादल नहीं दिख रहे। अब ये बायर सेलर को आके बोलता है कि अगर एक हफ्ते में बारिश हुई, एक हफ्ते में, मान लीजिए आज ये फ्राइडे को बैठा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बायर फ्राइडे को बोलता है कि अगले थर्सडे तक, यहां पे मैं थर्सडे लिख देता हूं, अगले थर्सडे तक अगर बारिश हुई तो आज मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, पर अगर अगले थर्सडे तक बारिश हुई तो तू मुझे 500 रुपए दियो। सेलर हां कर देता है, सेलर कहता है डन। अब मेरा बात को समझना, यहां पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। फ्राइडे को अभी क्या है, फ्राइडे के बाद सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, और थर्सडे को ये टाइम डिसाइड कर लेते हैं 3:30 तक। अगर थर्सडे को 3:30 तक बारिश हो गई तो 100 रुपए अगर मैं आज तेरे को दे रहा हूं तो तू मुझे 500 देगा, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि फ्राइडे को 100 रुपए है, अगर ये सैटरडे संडे निकल गया, मंडे आ गया, अब यही बायर अपने एक फ्रेंड को भी ले आए कि यार मैंने तो 100 रुपए दिए थे तुझे, मेरा दोस्त भी सेम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तेरे साथ कि थर्सडे तक अगर बारिश हुई तो तू उसे 500 रुपए देगा, बट अब दो दिन निकल गए, फ्राइडे भी निकल गया, 3 दिन हो गए, इनफैक्ट फ्राइडे भी निकल गया, सैटरडे भी निकल गया, संडे भी निकल गया, मंडे आ गया, तो अब मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन बीच में बचे, थर्सडे को तो एक्सपायरी आ जाएगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, तो अब क्या तू उससे 100 रुपए लेगा? क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इवेंट, वैसे वैसे इसके पैसे कम हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो अब सेलर क्या बोलेगा, चल तू यार 80 रुपए दे दे, क्योंकि अब हम पास आ गए, 80 रुपए दे दे, अगर बारिश होगी तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। अगले दिन वो अपने एक और फ्रेंड को पकड़ के ले आता है ट्यूसडे को, और अब वो बोलता है कि यार सेम तू मुझे 500 रुपए दियो, बट अब एक और दिन कम हो गया तो ये कहता चल यार तू 65 रुपए ही दे दे, अगर बारिश हुई तो मैं तुझे 500 दूंगा। और थर्सडे वाले दिन, थर्सडे को सेलर कहता है यार बादल तो दिख नहीं रहे, तू मुझे 10 रुपए ही दे दे, अगर बारिश हुई तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। तो ये जो हर दिन प्रीमियम का रेट कम हो रहा है, इसे एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जिससे हम बोलते हैं थीटा डिके। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेशल चीज क्या है कि बायर और सेलर कभी भी बाहर निकल सकते हैं। बायर और सेलर कैसे बाहर निकल सकते हैं, एग्जांपल, ये कॉन्ट्रैक्ट बायर ने किया था 100 रुपए में, पर उसे मंडे तक दिख रहा है यार बारिश तो नहीं होगी, तो वो अपने किसी फ्रेंड को लाके बोलेगा यार तू पकड़, तू मुझे 80 दे दे, 20 रुपए का नुकसान मैं झेल लूंगा। और सेलर कहता है ठीक है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, 3:30 पे देखेंगे थर्सडे को, अगर बारिश हुई तो मैं 500 दूंगा, वरना 80 गए, और वो तो 100 रुपए ले चुका तो 100 रुपए गए। अब अगर यहां पे समझो ये जीरो हो जाएगा ये पैसा थर्सडे को 3:30 पे, एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसे एक्सपायरी बोलते हैं, वीकली एक्सपायरी हो गई है, सो ऑप्शंस की भी सेम एक्सपायरी होती है, और जैसे जैसे रोज कम हो रहा है ना पैसा, इसे हम बोलते हैं थीटा डिके। ये थीटा मतलब जो प्रीमियम है ना, आप समझ लो, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो ये थीटा इसमें से कम हो जाता है, सो इट इज अ कंसेप्ट जो आपको समझना है। अब अगर इतना समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया। एक फाइनल एग्जांपल मैं और लूंगा, बिकॉज मैं एग्जांपल्स ना आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं। अगर मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा ना तो क्या है ना, अभी नंबर्स दिखाऊंगा, नंबर्स में आप फिर कैलकुलेशंस देखोगे, फिर आप बोर हो जाओगे, और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। आज आप क्या कहते हो भाई, आज क्रिकेट का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अब आप आके एक बेट लगाते हो, अगेन एक बायर एक सेलर है, तो आप बायर हो मान लेते हैं, यू आर अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। सो आप एक बेट लगाते हो, बेट ये है कि भाई विराट कोहली आएगा मैदान में, और आप कहते हो 100 रन से ज्यादा मारेगा,
100 से ज्यादा मरेगा। सेलर क्या कहता है, ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर विराट कोहली 100 से ज्यादा रन मारेगा तो जितने भी ज्यादा रन मारेगा मैं तुझे हर रन का एक रुपया दूंगा, हर रन का एक रुपया दूंगा। सो अब ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल हो गया किस चीज का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, अभी समझिएगा। सो अब अगर विराट, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एग्जांपल के लिए, अब अगर विराट कोहली 100 रन से कम रन बनाता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, ऐसे तो सेलर कहेगा नहीं, तो कहता जी मुझे बस 10 रुपया दे दो, आप मुझे 10 रुपया दे दो, वो 100 रन से ऊपर जितने रन मारेगा मैं आपको 1 रुपया दूंगा। तो विराट कोहली आता है और मान लेते हैं 50 रन पे आउट हो जाता है, तो आपके 10 रुपए गए क्योंकि उसने 100 तो बनाए नहीं। अब अगर वो 99 भी बना देता है तो क्या होगा, आपके 100 रुपए गए, मतलब 99 बनाने पे भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब आप कहते हो 100 रन बनाएगा और उसने 100 रन मार दिए, आपका भी नुकसान है क्योंकि 100 रन से ऊपर जब बनाएगा तब वो 1 रुपया देगा। अब अगर 101 रन बनाता तो क्या होगा, आपको 1 रुपया मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आपकी मैथमेटिक्स वीक है, क्यों, क्योंकि आपने 10 रुपया दिया हुआ है भाई, 1 रुपया वो दे भी देगा तो भी आपका 9 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अगर विराट कोहली 105 रन बना देता है तब भी आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपने 10 रुपये दिए, 5 रुपये का भी नुकसान है। सो आपका ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन समझना, आपका ब्रेक इवन है 110। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली 100 रन बनाएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए 10 रुपए तो मैंने दे दिए, 110 से ज्यादा बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर उसने 110 से ज्यादा नहीं बनाए तो आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो एज अ बायर आपको समझना है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि 100 रुपए की तो बेट ही नहीं है, 100 रन की तो बेट ही नहीं है, बेट है कि वो 110 बनाए। सो आप जैसे 10 रुपए दे रहे हो ये डेबिट हो गया। जब भी आप कुछ खरीद लेते हो तो आप डेबिट में चले जाते हो, और सेलर जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। अब ये डेबिट क्रेडिट आपने अकाउंट्स में स्कूल में पढ़ा होगा, बट देखो सिंपल हम बात करते हैं ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये बहुत इजी है, सबको समझ आता है, एंड योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, डेबिट मतलब पैसा चला गया, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। सेलर के केस में जब वो कुछ बेचता है तो 10 रुपए वो रिसीव करता है बायर से, प्रीमियम रिसीव करता है, तो वो क्रेडिट में होता है। तो अगर कोई भी हम आगे स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसमें आप सेलर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, बेच के चल रहे हो या ज्यादा बेच के चल रहे हो, तो आप हमेशा क्रेडिट साइड में रहोगे, और अगर आप खरीद के चल रहे हो तो आप डेबिट साइड में रहोगे। आई थिंक इतना काफी है आज की वीडियो के लिए। नहीं समझ आया ना ऑप्शन ट्रेडिंग, चलो आप एक लाइव एग्जांपल देते हैं उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझे आई अंडरस्टैंड यार, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आज के लिए एग्जांपल्स तो बहुत हो गए, बट ये काम कैसे करता है इसे मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी हम यहां पर आ जाते हैं। सो अभी ये सिंपल बिल्कुल प्लेन मैंने चार्ट खोल दिया। अब सिंपल अगर कोई आदमी है, वैसे भी मतलब अगर कोई आदमी बिल्कुल अंधा भी हो तो उसे दिख जाएगा कि प्राइस गिर रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहां पे ये कैंडल स्टिक्स है, कैंडल स्टिक से चार्ट बनता है। तो कैंडल स्टिक्स आपको दो तरीके की दिखती हैं, आपको ग्रीन कैंडल्स दिखती है, आपको रेड कैंडल्स दिखती है। तो रेड का मतलब होता है रेड से, मतलब वहां से प्राइस गिरा है, क्यों गिरा है यहां पे कंसेप्ट समझाने जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे लोग नए हैं, शायद उन्हें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी देनी जरूरी है। सो यहां पे ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, देखो ये कितनी सिंपल सी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कलर की दिख रही है। सो ग्रीन कैंडल में हमेशा क्या होता है, कैंडल में हमेशा दो चीजें होती है, ये नीचे डंडी से निकल रही है ना, इसे शैडो बोलते हैं, सिंपल शैडो या विक, और जो बीच में होता है ये जैसे रेक्टेंगल सा, इसे बॉडी बोलते हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, मैं जूम इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार में बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी मुझे इसमें ज्यादा टाइम लेना नहीं है। सो आप लोगों को क्या समझना है कि ये जो बीच का रेक्टेंगल पार्ट है इसे हम बॉडी बोलते हैं। हमेशा कोई भी ग्रीन कैंडल हो वो ओपन यहां से होती है, दिस इज द ओपनिंग, ओपन यहां से होती है, एंड ये क्लोज हमेशा यहां पे होगी। जो ऊपर हमेशा ये थोड़ा सा विक सा बना है, शैडो सा बना है, इसका जो ये होगा ये हाई होगा, और ये जो नीचे तक गया है ये इसका लो होगा। ओके, तो ये इसका लो हो गया। तो ओपन
क्लोज, हाई और लो, चार चीजें एक कैंडल से पता लगता है। और ये बहुत सिंपली आपको कैसे पता लग जाएगा, जैसे एग्जांपल ये अपस्टॉक्स का मैंने अकाउंट खोला हुआ है, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए, इनफैक्ट ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। अपस्टॉक्स एक लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है, आप जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स पे खुलवा सकते हो। और अपस्टॉक्स पे रेफर एंड अर्न भी चल रहा है, मतलब अगर आप किसी को शेयर करते हो अपस्टॉक्स अपना अकाउंट खुलवाने के बाद, तो भी आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करते हैं। तो अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री में जाके इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। यहां पर देखिए, सो लुक एट दिस, जब भी आप किसी कैंडल पे क्लिक करते हो, देखो ये क्लिक किया तो यहां पर आप ऊपर ध्यान देना, यहां पर आपको अपने आप ये चारों चीजें दिख जाती हैं। तो ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों ऑलरेडी लिखा हुआ दिख जाता है, डन, इतना ही बताना था मुझे। और रेड कैंडल में बिल्कुल अपोजिट क्या होता है कि प्राइस ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है, बस। अब यहां पर ये दिख रहा है हमें, प्राइस गिर रहा है, ओके, प्राइस गिर रहा है, ये हमें दिख रहा है। अगर आप यहां पर कोई भी चार्ट है, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, अब आप निफ्टी में क्या देखते हो, अगर ये यहां से लेके यहां तक प्राइस गिरेगा ना, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे हम पैसे कमा सकते हैं। इस पैसे कमाने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि हम चाहे तो निफ्टी के अंदर हम डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम फ्यूचर्स में ट्रेड करें या हम ऑप्शंस में ट्रेड करें। सो हमारे पास ऑप्शन है, अब ऑप्शंस में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम गिरने पे बेट कर रहे हैं तो हम जब बाय करेंगे तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अच्छा, कॉल ऑप्शन कौन खरीदेगा? कॉल ऑप्शन वो खरीदेगा जो प्राइस के बढ़ने पे बेट कर रहा है। मान लो यहां से लेके आप देखते हो यहां पे प्राइस बढ़ा, तो अगर ये प्राइस भी बढ़ा तो कोई बहुत ज्यादा पैसा बना सकता है या था जिसने कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया, कॉल ऑप्शन को बाय किया। बट ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है? मैं गिरने पे पैसा बना सकता हूं पुट ऑप्शन को बाय करके, या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करके, क्योंकि ठीक उसका उल्टा है। क्योंकि आपको समझो, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई पैसा बनाता है तो किसी की जेब से पैसा निकलता है। जिस दिन आपका नुकसान होगा, ये याद रखना, किसी ने पैसा बनाया है। शेयर मार्केट अपनी जेब में कुछ नहीं रखती। कोई ये नहीं बोल सकता भैया शेयर मार्केट में मेरा पैसा चला गया। मैं कोई एक इंसिडेंट बताता हूं, हुआ क्या, एक पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट क्या आपको पता ना, सो कराची की बात है ये, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जाके एक आदमी ने ना बम फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? क्योंकि उसे लगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज ने उसका नुकसान करा दिया। वो ट्रेड कर रहा था और ट्रेडिंग में उसका नुकसान हो गया। आई एम श्योर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी ने ऐसा नहीं किया, ना कोई करने वाला है। और मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि भाई अगर आपका कभी नुकसान हो जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि भाई स्टॉक एक्सचेंज अपनी जेब में पैसे नहीं रखना। स्टॉक मार्केट अपनी जेब में पैसे रखती मार्केट है। अगर किसी का नुकसान हुआ तो किसी का प्रॉफिट हुआ, अगर बायर का नुकसान हुआ तो सेलर का प्रॉफिट हुआ, सेलर का नुकसान हुआ तो बायर का प्रॉफिट हुआ। अगर किसी दिन आपका नुकसान हो जाए तो ये समझना किसी ने पैसा कमाया है, कोई तो पैसा बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई तो पैसा बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है तो वो कुछ गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी, ठीक है। अभी यहां पर समझना ये था कि आप यहां पर आपके पास अगेन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो अभी हम ऑप्शन समझेंगे क्या क्या है, पैसे बनाने के स्ट्रैटेजीज भी हैं। बट एक सिंपल बिल्कुल नेक्ड मतलब होता है बिल्कुल आपको अभी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सिंपली क्या कर सकते हो। अगर आपको गिरती हुई मार्केट से पैसा बनाना है तो आप पुट खरीद लो या कॉल सेल कर दो। सिमिलरली अगर आपको चढ़ती हुई मार्केट में पैसा बनाना है, देन व्हाट यू नीड टू डू कि आप या तो कॉल बाय कर लो या फिर पुट को सेल कर दो। अब आप ये कैसे करते हो? माय गॉड, ये क्या बोल दिया। सो ये करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, टू नॉट वरी। सो क्या तरीका होता है, अभी के लिए एग्जांपल मार्केट आपको दिखती है 18,270 पे। अब दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अगर आपको लग रहा है निफ्टी में क्या होता है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, लेट मी शो यू अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं बना रहा हूं। आप यहां पर आए हो कुछ सीखने के लिए, तो इसे बड़े ध्यान से समझना। अगर आज आप यहां पर कुछ सीखने के लिए आए हो, टाइम लग सकता है। मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो ना करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरा काम है, अगर कोई आया उसे वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आपने अपना टाइम निकाला है सीखने के लिए तो आपको वैल्यू देना मेरा काम है, अदरवाइज आपका यहां पर आना बेकार है।
सो वीडियो लंबी बन रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो से वैल्यू मिल रही है मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और अगर आपको वैल्यू मिलती है प्लीज अपना फीडबैक कमेंट्स के तौर पे आप इस वीडियो में जरूर लिख के जाइएगा। अब यहां पर देखिए, सो एक कॉम्प्लेक्स चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे बोलते हैं, ये क्या हो गया इतने सारे नंबर, स्कूल में तो कभी पढ़े नहीं है ना, सिक्स क्लास के बच्चे को तो समझ नहीं आएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ आएंगे। ये जो चीज अभी मैंने खोली है ना, ये आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड है। मैं इसे जूम कर देता हूं, ओके, तो हम इसे इतना जूम पे देख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहां पे अभी हम एक चीज देखते हैं, इसे मैं रिफ्रेश करता हूं सो दैट यू कैन सी एग्जैक्टली। सो यहां पर हम देखते हैं निफ्टी, अभी आपको दिखा 270 18-70 पर आपको दिखा निफ्टी थी। सो उसके नियर अबाउट कौन सा प्राइस देखा आपको, 250 देखा। सो 250 को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में से और ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं, तो इसे हम एट द मनी बोलते हैं। अभी आप ये समझिए, प्राइस जहां पर होता है उसे एट द मनी बोलते हैं। तो यहां पर 50-50 पॉइंट का गैप है। 50-50 पॉइंट का गैप क्या है, 18-250, 18-300, 350-400, सिमिलरली 200-150, 100, तो ये 50-50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो 270 पे आपको नहीं मिलेगा, या तो 250 पे मिलेगा या 300 पे मिलेगा, अब आपकी चॉइस है। आप 250 करना चाहते हो या 300 करना चाहते हो, 350 पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट यहां पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पे कर सकते हो। इससे आप जो पैसा कमाओगे उस पर फर्क पड़ेगा, बट एक सिंपल सा आपको लॉजिक बोला, इस साइड पे आपको कॉल दिख रहे हैं, उस साइड पे आपको पुट दिख रहे हैं। अगर आप कॉल खरीद लोगे और प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, कितना होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, और अगर प्राइस गिरेगा और पुट साइड पे आपने कुछ भी खरीद रखा है तो आपको फायदा होगा, और ठीक उसका उल्टा अगर आप बेचते हो तो अगर मार्केट गिरेगी तो अगर आपने कॉल बेच रखा है, कुछ भी बेच रखा है, फायदा होगा, कितना होगा हम बाद में बात करेंगे। और पुट साइड पे इनमें से कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहा हूं मैं, 17-800, 850 से लेके 18-700 तक, ये क्या है अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, बट ये क्लियर है कि अगर मार्केट बढ़ती है और आपने पुट बेच रखा है तो आपका फायदा होगा। बस बात इतनी सीधी, इतनी समझानी थी। तो यहां पे क्या समझाना है कि अगर मुझे लग रहा है मार्केट यहां से बढ़ेगी एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, और वो कैसे, सबसे बड़ी बात पता क्या है, लोग कहते हैं ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहां से बढ़ेगी, ये मार्केट यहां से गिरेगी। तो देखो एग्जैक्टली इसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है, जिससे हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल पाए। तो यहां पे किसी ने ज्योतिष विद्या तो नहीं करी हुई, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि कल मार्केट कहां किस पॉइंट पे रहेगी, पर प्रोबेबिलिटी कहां की ज्यादा है, बढ़ने की ज्यादा है, घटने की ज्यादा है, ये हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमने पूरी फ्री प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हो। बट यहां से हम क्या बात बोल रहे हैं कि अगर मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगी मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो यहां पे 18-250 मुझे दिख रहा है, 18-300 मुझे दिख रहा है। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए मैं अपस्टॉक्स पे जाऊंगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपके लिए। सो व्हाट आई विल सर्च हियर इज निफ्टी, मैंने निफ्टी सर्च किया क्योंकि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, 18-250 मैंने लिख दिया, और यहां पे अगर मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगी तो मैं कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, और मुझे लग रहा है गिरेगी तो मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मैं 250 की जगह 300 में ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं 300 भी सर्च कर सकता हूं। अभी मैं 250 ही लिख देता हूं यहां पे, और देखिए मैं पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता हूं। देखिए मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड किया, ये दोनों यहां पर आ गए हैं, देखिए ठीक है। अब यहां पे इनका रेट भी आ जाता है, ये रेट अपने आप से नहीं आता है, देखो 84 और 124 है। तो आपको NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, यहां पर भी आपको यही रेट मिलेगा। सो यहां पे 123.60 आपको कॉल का रेट दिख रहा है और 82 आपको पुट का रेट दिख रहा है। सो आपके डीमेट अकाउंट में भी लगभग वही रेट आपको दिखता है, मार्केट जब लाइव होगी ये लाइव अपडेट हो रहा होगा। अब अगर मैं इसे बाय करूंगा, देखिए अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, अगर मैं इसे बाय करूंगा तो यहां पे क्वांटिटी अपने 50 आ गई। अब मैं देखिए 50 का 49 नहीं कर सकता, ये लेगा नहीं, ये अगर मैंने 49 किया मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, अभी तो वैसे मार्केट बंद हो चुकी है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमेशा एक लॉट में ट्रेड होते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, निफ्टी का लॉट 50 का है, बैंक निफ्टी का लॉट 25 का है, सिमिलरली आपको फिन निफ्टी या आप किसी स्टॉक के अंदर भी ट्रेड करना चाहते हो, आपको हमेशा उसका लॉट खरीदना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, सिमिलरली बेचना पड़ेगा अगर मैं बेचना चाहूंगा तो। तो आप देखिए सबसे ऊपर क्या है, मैं इसे बाय भी कर सकता हूं, मैं इसे सेल भी कर सकता हूं, ओके।
सो अगर मैं बाय करना चाहता हूं ये 50 के मल्टीपल्स में, सो जैसे हम एटीएम में जाते हैं ना, वो कहता है 100 के मल्टीपल्स में नंबर लिखो, आप ऐसे तो लिख सकते ना 12,000 दे दो मुझे, तो 3200 तो नहीं निकलेंगे, 100 के मल्टीपल्स में निकलेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल्स है 50 के, तो आप 50 की जगह 100, 150, 200 किसी भी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो मल्टीप्लाइड, अगर आप खरीद रहे हो मल्टीप्लाइड बाय दिस प्राइस। सो अगर मैं कहूं जी मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा तो आप मुझे बताइए मेरे कितने पैसे लगेंगे। 124 का भाव है तो सिंपल सी बात है यहां पे 12,400 लग जाएगा, क्योंकि आप 12,400 रुपया पे करोगे 100 × 124 के लिए। अब यहां पे कई चीजें आती हैं, मुझे डिलीवरी के लिए लेना है, इंटरडे के लिए लेना है। डिलीवरी मतलब क्या है, इसकी एक्सपायरी कब है। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेट आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी एक्सपायरी का लेना है। ऑप्शंस के अंदर हर थर्सडे को एक्सपायरी है। सो इस थर्सडे जो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं इसका जो कमिंग थर्सडे है वो 22 तारीख का है, 22 दिसंबर का है। अब 22 दिसंबर के बाद कोई और थर्सडे है, आप कहोगे हाँ यार मैं अभी कैलेंडर में चेक कर लेता हूँ 29 दिसंबर का है, उसके बाद कौन सा, आप कहोगे 5 जनवरी का है। तो इस तरीके से अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं कि अगर मैं इस हफ्ते का नहीं अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता हूं तो क्या मैं वो भी खरीद सकता हूं। खरीद सकते हो, पर जितनी दूर का खरीदोगे उतना महंगा होगा, याद रखना। मैं आपको दिखाता हूं, सो मैं 18,250 ही खरीदना चाहता हूं, ये देखिए कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूं, बट मैं 22 तारीख का नहीं 29 तारीख का खरीदना चाहता हूं, तो यहां पे 29 का भी मिल जाएगा, बट मैं आपको उसका भाव दिखाता हूं। और ये मुझे 5 जनवरी का भी मिल जाएगा, ये मुझे 12 जनवरी का भी मिल जाएगा, बट इन सब के अब आप रेट देखिए। तो अभी हमने बात करी थी इस हफ्ते की एक्सपायरी की, थर्सडे को 3:30 एक्सपायरी हो गई, तो मतलब 3:30 मार्केट बंद हो जाती है, इतना तो आपको पता है ना, 9:15 से खुलती है, 3:30 तक बंद हो जाती है। तो अब क्या है यहां पर देखिए, 22 तारीख का अगर मैं लेना चाहता हूं कॉल ऑप्शन तो मुझे 124 का पड़ रहा है, अगर मैं यहीं पे 29 तारीख का लेना चाहता हूं तो 210 का पड़ रहा है, और मैं 5 जनवरी का लेना चाहता हूं तो 272 का पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसे उसी एग्जांपल से लेट करो, कल बारिश होगी तो मैं 5 लूंगा, बट अगर कोई बोलेगा एक महीने के अंदर बारिश होगी तो भैया मैं 50 लूंगा, मैं 50 के लूंगा, एक महीने के अंदर तो बारिश हो सकती है ना, तो भाई प्रोबेबिलिटी बढ़ गई उस चीज के होने की। सो निफ्टी अभी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए और गिर जाए, 250 से नीचे चला जाए, पर 5 जनवरी तक अगर 250 के ऊपर निकल गया तो सेलर का नुकसान होगा, तो सेलर इसके लिए क्या लेगा, प्रीमियम लेगा। पर आपको ब्रेक इवन ध्यान रखना है, ब्रेक इवन क्या है कि अगर आप कहते हो 5 जनवरी तक 250 के ऊपर निफ्टी रहेगा तो उसके लिए आप 272 एडिशनल पैसे दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप 250 प्लस 272 करो, कितना हो गया 522 रुपीज, 522 क्या हो गया 18,522 के ऊपर अगर निफ्टी गया 522, आप 250 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो एक्सपायरी पे, तभी फायदा होगा, बट यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे ऐसा क्या होता है, अभी हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, एक्सपायरी पे फायदा होगा, बट अगर आपने अभी खरीदा और निफ्टी अभी हल्का हल्का भी बढ़ने लग गया ना तो ये प्रीमियम जो भी आपको दिख रहा है इसका रेट ये बढ़ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि बारिश होना जरूरी है, आज बादल नहीं दिख रहे, अगर बादल भी आ गए तो वॉलिटिलिटी बढ़ गई, संभावना बढ़ गई, और प्रोबेबिलिटी के बढ़ने से भी, वॉलिटिलिटी के बढ़ने से भी प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है। ओके सो अभी मैं हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, इतना बहुत है आज की वीडियो के लिए, इतना बहुत है। तो सिंपल सी चीज है कि अभी 22 तारीख तक अगर मुझे लग रहा है 250 के नीचे निफ्टी जाएगा तो मैं यहां पे 18,250 का पुट ऑप्शन भी खरीद सकता हूं, सेम 50 के लॉट्स में होता है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आप सिंपली रखिए, ऑर्डर टाइप मार्केट और लिमिट आप ले सकते हैं, फिर एसएल लिमिट वगैरह आ जाता है, तो मार्केट और लिमिट आपको समझना है। लिमिट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब है जिस रेट पे अभी उसी रेट पे आप खरीदोगे, बट आप कहोगे नहीं जी मैं तो जब 80 रुपए का आएगा ना तभी खरीदूंगा, तो यहां पे आप अपना भाव डाल दोगे, आप कहोगे 80 रुपए का ऑप्शन आएगा तभी खरीदूंगा, ये शेयर्स के लिए भी है। सो कोई शेयर अगर आपको दिखता है मान लो आज 1,000 रुपए का, आप हो गए नहीं जी 950 आएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो पूरे दिन में अगर वो 950 आएगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसी तरीके से आप इसकी वैलिडिटी क्या रखना चाहते हो तो डे आप सिंपली चूज कर सकते हो, सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, रिव्यू एंड बाय ऑर्डर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट टाइमिंग के अंदर अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो आई होप इतना काफी है, सो काफी तो नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।
अभी हमने ये फर्स्ट एपिसोड आपके लिए शूट किया है। प्रयास ये है कि इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझना चाहता है ना, उसे इस सीरीज में समझ आ जाए। सो इस वीडियो के बाद पूरी सीरीज मिलने वाली है, मल्टीपल एपिसोड्स रहेंगे। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, सो दैट आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख पाओ और लोगों के साथ शेयर भी कर पाओ। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे लोगों को यह पता लग जाए कि इस तरीके की सीरीज फ्री में अवेलेबल है, लोग फ्री में सीख सकते हैं। शेयर करने से लोगों का फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि पूरी कम्युनिटी की लर्निंग बढ़ सकती है। अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। सो टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड, जय हिंद। एंड अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, आज ही खुलवा लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।